ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन ने आज अपनी मांगों को लेकर रेवाड़ी में जोरदार धरना प्रदर्शन किया तथा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीडीपीओ के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार लगातार किसान मजदूरों की अनदेखी कर रही है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाकर उन्हें मालामाल किया जा रहा है। यही कारण है कि किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को लूटने की योजना है, इसी के चलते उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि इस योजना को वापस लेते हुए बर्बाद फसलों का 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वो कोई बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारी किसान और मजदूरों की साथ ली समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक चिट्ठी भेजी है, ज्ञापन दिया है और उसके अंदर मांग है हमारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो एकदम किसान विरोधी है। उससे बड़ी बड़ी जो पूंजीपति कंपनियां हैं उनको लाभ होगा, किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की फसल के ऊपर 50% लाभकारी मूल्य मिले और जो परिवार प्लाटों से वंचित हैं उन लोगों को प्लाट दिया जाए और सूखे खेतों के अंदर नहरी पानी पहुँचाया जाए। रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट। We'll be right back.